मौलाना यूसुफ रजा कादरी से ईद उल फित्र को लेकर T90 न्यूज में एक विशेष मुलाकात। रमजान मुबारक और ईद के सिलसिले में हम लोगों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि वो शरई दायरे में रहते हुए ईद मनाएं और कोई ऐसा काम ना करें जो अल्लाह उसके रसूल की नाराज़गी का सबब हो, और गरीबों का भी वो ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। ज़कात की रकम अगर आप निकाल रहे हैं तो ज़कात के मुस्तहिक अगर आपके करीबी रिश्तेदार हैं तो वो ज़्यादा मुस्तहिक हैं। दूसरों को देने की सूरत में एक हदीस पाक में ये भी बयान किया गया कि उसकी ज़कात अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा। और सदका फ़ित्र निकाल दें पहले से ताकि गरीबों के हाथ में वो पहुँच जाए और उनको जो है वो सहूलत हो जाए, और बहुत ही सादगी के साथ ईद मनाएँ। अपने शाम के मज़लूम मुसलमानों को याद रखें, फिलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को याद रखें कि बेशुमार लाशें वहाँ पे जो है वो आज भी बिछी हुई हैं, और कल ईद होगी, कल भी हो सकता है कि उनके नौजवान मारे जाएं और खाक व खून में तड़पाए जाएं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम बहुत ही सादगी के साथ ईद मनाएं और शरई हुदूद में रहते हुए ईद मनाएं।